आज हम आपको दर्शन कराते हैं ग्वालियर स्थित पहाड़ा वाली माता के। शहर के नई सड़क स्थित पहाड़ा वाली माता मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। नवरात्रि में यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से यहाँ भक्त माता के दर्शन करने आ गए हैं। शारदेय नवरात्रि में माँ का हर दिन अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है और विभिन्न सांस्कृतिक व भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हर रोज 4 आरतियाँ की जाती हैं, जिनमें विशेषकर सुबह श्रृंगार आरती, शाम को सांध्य आरती और फिर दूध भोग आरती की जाती है। भक्त यहाँ पर पूरे श्रद्धा भाव से माँ की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। बात करें मंदिर के इतिहास की तो ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। यहाँ नवदुर्गा में पूजा के लिए स्थानीय पुजारी नहीं बल्कि डीडवाना, नागौर, राजस्थान से पुजारी आते हैं, तो पूरे 9 दिन की पूजा अर्चना करवाते हैं। ये ऐतिहासिक पुजारियों के 7 परिवार हैं, जो हर साल में एक पुजारी का नंबर आता है। इस वर्ष गंगाधर शर्मा के परिवार के द्वारा पूजा कराई जा रही है। कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है, पहाड़ा माता के नाम से ये जाना जाता है। नई सड़क पे यहाँ पे हम 7 पुजारी राजस्थान से पूजा करने के लिए आते हैं। बारी बारी से एक एक साल का सभी का नंबर बदलता रहता है। चैत नवरात्रि से चैत नवरात्रि और मैया के 365 दिन नया, हर दिन नया श्रृंगार किया जाता है मैया का 365 दिन, और 4 आरती मैया की जाती है। मान्यता ये है कि जो भी यहाँ पे अर्जी लगाता है, नारियल वगैरह बांधता है, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी अर्जी, जो भी मनोकामना है, वो उनकी पूर्ण होती है। और यहाँ पे अष्टमी के दिन मैया का हवन किया जाता है और भंडारे वगैरह, चैत के नवरात्रि में बड़ा भंडारा किया जाता है। पूजा पाठ हम लोग जैसे पूजा करने के लिए आते हैं। 7 परिवार है, एक साल के लिए एक एक पुजारी पूजा करने के लिए राजस्थान से आते हैं। ज़्यादा मतलब 400 साल पुराना मंदिर है। राजेश बिथरिया बताते हैं, औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था और हिंदू मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था, तब डीडवाना, नागौर, राजस्थान में स्थित माता के मंदिर से व्यापारियों के द्वारा मूर्ति को खंडित होने से बचाने के लिए वहां से उठाकर भागना पड़ा था। ग्वालियर पहुंचकर विश्राम करने के लिए जब ये वहां रुके, तो जहां से आगे जाने के लिए उठे, तो माता की मूर्ति लाख कोशिशों के बावजूद भी वहां से उठ ना सकी। तब जाकर व्यापारियों ने इसी जगह मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। बताते हैं उस समय पर यहां पर पहाड़ हुआ करते थे, उस वजह से इसका नाम डीडवाना, पहाड़ाए वाली माता पड़ा। से विगत 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मानता ये बहुत ही दिव्य और सच्चा सदरबार है, ऐसा बताते हैं, सुनने में आया बुजुर्गों से कि औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था, मंदिर तोड़फोड़ हो रहे थे, तो डीडवाना, नागौर, राजस्थान जिले में वहाँ के कुछ व्यापारी लोग माँ की मूर्ति लेके आ गए थे। पहले यहाँ पहाड़ था, एक पीपल का पेड़ था, तो विश्राम करने के लिए यहाँ बैठ गए थे। फिर उसके बाद ये मूर्ति यहाँ से उठी नहीं, बहुत कोशिश की, मूर्ति उठी नहीं, तो व्यापारियों ने सोचा कि क्यों ना हम यही माँ का मंदिर की स्थापना की जाए। ये डीडवाना ओली लश्कर में है, तो वो डीडवाना शहर से जितने व्यापारी आए थे वो यहाँ के बस गए और महेश्वरी समाज के, और इसलिए वो डीडवाना ओली शहर का नाम पड़ा। यहाँ सुबह श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद संध्या आरती होती है, फिर दूध भोग आरती होती है, फिर उसके बाद शाइन आरती होती है। और माँ का ऐसा कई चमत्कार ऐसे हैं, मैंने तो प्रत्यक्ष देखे हैं कि मैं हनुमान जी नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं, मैंने साक्षात दर्शन किए हैं। राजेश जी बताते हैं, ये मंदिर की मान्यता है कि यहाँ खोई हुई चीज माता के दरबार में अर्जी लगाए और मात्र 5 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाए, तो आपकी खोई हुई चीज निश्चित ही मिल जाएगी। अगर आपके द्वारा 5 रुपए से ज्यादा का प्रसाद चढ़ाया तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि माता रानी सिर्फ भाव की भूखी है। और कोई भी चीज खो जाए तो मतलब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ, सिर्फ 5 रुपए का प्रसाद बोल दो, मैया मेरी ये चीज़ खो गई है, 5 रुपए का प्रसाद, ना 50 का, ना 20 का, ना 100 का, सिर्फ 5 रुपए का प्रसाद आपकी चीज़ मिल जाएगी, गारंटेड। ये अजमाई हुई बातें हैं, फॉलो हुई हैं, कईयों को बताई हुई हैं, बोलो कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो, 5 रुपये, आपने अगर 50 का बोला तो काम नहीं होगा।
सिर्फ 5 ये भाव की भूखी है, ये समर्पण प्रेम भाव भाव की, अपन इसको क्या दे रहे हैं, ये जगत का पेट भर रही है, अपन इसको क्या भोग प्रसाद खिलाएंगे। कई भक्त तो यहाँ 50 साल से भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं शादी होकर आई, आज 50 साल हो गए, तब से कंटिन्यूस इस मंदिर में हम लोग आते हैं और हमारे यहाँ पुजाप्पा भी इसी मंदिर में चढ़ता है। ये डीडवाना से आई हैं, पाड़े माता हैं, डीडवाना से आई हैं, और ये हम लोग के जैसे कास्ट अलग अलग होते हैं खाप, इसी एक कुलदेवी हैं। यहाँ भक्तों के द्वारा माता के दर्शन कर नारियल चुनरी भेंट कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की अर्जी लगाते हैं। नवदुर्गा अष्टमी को यहाँ हवन कराया जाता है और नवमी को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आज हमने आपको दर्शन कराए ग्वालियर स्थित पहाड़ा वाली माता के। जाना उनके इतिहास के बारे में। ऐसे ही रोचक खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी खास स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। जय माता दी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।